प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए एक दिवसीय दौरे के तहत आज इम्फाल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनावों से पहले राज्य में मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि आज के दौरे के लिए पहले से कोई योजना नहीं थी। मणिपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कांग्रेस सपना दल गठबंधन आज फूलपुर में रोड शो करेगा। गठबंधन के प्रत्याशी पंकज निरंजन के लिए रोड शो शुरू होगा। रोड शो के माध्यम से कांग्रेस और अपना दल कृष्णा गुट गठबंधन भीड़ जुटाकर वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार भी बीजेपी सरकार बनेगी और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। पीएम मोदी ने रैली में कहा, इस बार भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकास के आधार पर ही चुनाव होगा और उड़ीसा में कमल खिलना अब तय है। इसी के साथ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है लेकिन बीजेपी का मनोबल नहीं हिला पाए। छत्तीसगढ़ के बालोद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नामदार ने जिस सीट को अपनी वसीयत मान लिया था वहां से भी पलायन कर गए हैं। अभी तो चुनाव का रंग जमा ही है और ये सीट छोड़कर भाग रहे हैं। रैली से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी नियत में खोट है, इसलिए दलालों और बिचौलियों का एक पूरा संसार इन्होंने विकसित किया है। नियत में खोट है इसलिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी में भी दलाली खाने से ये बाज नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से नाथन शाह को टिकट दिया है। एमपी सीएम के बेटे नकुनाथ से होगा मुकाबला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने शाह पर अपनी चुनावी हलफनामे में तथ्य छुपाने के लगाए आरोप। अमित शाह की उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की मांग की। कांग्रेस की तरफ से की गई शिकायत में कहा गया है कि अमित शाह ने दो जगहों पर गलत जानकारी दी है। शिकायत के अनुसार अमित शाह ने गांधीनगर में एक प्लॉट के बारे में और दूसरा अपने बेटे के कर्ज के बारे में सही जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि शाह ने अपनी प्रॉपर्टी की कीमत कम बताई है, जबकि सरकारी निर्देशों के अनुसार उस प्रॉपर्टी की कीमत 66 लाख है, लेकिन अमित शाह ने इस प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख बताई थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक साथ नजर आया विपक्ष। इस दौरान यूपी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि जो लोग विविधता को स्वीकार नहीं करते उन्हें देशभक्त बताया जा रहा है। सोनिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमसे उम्मीद की जा रही है कि खानपान, पहनावे और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी बर्दाश्त करें। जिस देश की जनता सब कुछ समझ गई है और बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं। दो मिनट में 1000 और 500 के नोट को रद्द कर दिया। रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हिंदुस्तान को लाइन में लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को देने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 20% सबसे गरीब परिवारों के खाते में जाएंगे 72,000 रुपए। एक साल कांग्रेस पार्टी उनके खाते में रुपए पहुंचाएगी। बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होते ही कांग्रेस ने पटना साहिब सीट से घोषित किया अपनी उम्मीदवारी।
बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर शॉटगन ने बीजेपी को कहा अलविदा। शत्रुघ्न के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इस दौरान पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेबाक राय रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा गलत पार्टी में थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नवरात्र के मौके पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मौके पर अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा बीजेपी में उन्होंने लोकशाही को धीरे धीरे तानाशाही में परिवर्तित होते देखा। मौजूदा बीजेपी नेतृत्व ने यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी जैसे कद्दावर शख्सियतों को निपटा दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस पर आतंकवाद पर नरम रुख अख्तियार करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गोयल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ नेता आतंकवादियों को बल देते हैं, इनके भाषणों को पाकिस्तान के चैनलों पर चलाया जाता है। कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ नरम रवैया रखा है, पोटा कानून को वापस लेना इस बात का सबूत है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए इत्र नगरी कन्नौज, जिसे सांसद और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव नामांकन कराने समाजवादी रथ से कन्नौज पहुंची। नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची डिंपल के साथ समाजवादी रथ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उसे झूठी पार्टी बताया। डुमरियागंज से बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पप्पू कहा। साथ ही राघवेंद्र ने कहा कि एक बार फिर केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी और इस बार बीजेपी 400 वोटों से ज्यादा जीत कराएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले गिरिराज ने किया शक्ति प्रदर्शन, स्टेशन चौक से काफिले के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे गिरिराज। नामांकन करने के बाद महागठबंधन पर गिरिराज ने साधा निशाना, कहा एक और एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में महामिलावट और गठबंधन का बंधन है, जहां एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते हैं कि देश में मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है ना कि मजबूर प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर गिरिराज ने साधा निशाना, कहा स्मृति ईरानी से अमेठी में डर गए हैं राहुल गांधी, इसी वजह से वो परंपरागत सीट अमेठी को छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने गए हैं।